हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश. आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, बट ये छोटी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी रूटीन में बोल जाते हैं और गलत होती हैं. जैसे कि हम फ्लावर को फ्लावर बोलते हैं. फ्लावर इज समथिंग एल्स, लाइक फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है, फ्लावर फूल. तो हाँ, हम आटे को फ्लोर, आप फ्लोर मिल्स बोलते हैं. लाइक मैं भी जब फ्लोर मिल्स ही बोलती थी, लेकिन मुझे फिर पता चला कि नहीं, जो राइट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज फ्लावर. ही स्प्रिंकल फ्लावर ऑन द फ्लोर. ठीक है, ही स्प्रिंकल्स फ्लावर ऑन द फ्लोर. लाइक फ्लावर जो है वो आटा और फ्लोर फर्श. और हम यूजुअली हम दोनों को फ्लावर और फ्लोर ही बोलते हैं. फ्लोर आटा भी, फ्लोर फर्श भी, ये तो इसमें डिफरेंस है. ठीक है, इसी तरह, हाँ इसी तरह हमारे पास एक और, जैसे हम बोल, हम बाउल बोल देते हैं. द पॉट, द डिश जिसमें हम योगर्ट, सालन जो भी सर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड बोल, नॉट बाउल. हम बाउल बोल, बाउल तो समथिंग एल्स, बाउलिंग जो करते हैं वो, और बाउल स्टूल और टोटली डिफरेंट है. हम बोल उसे बोलना चाहिए, बाउल नहीं. ठीक है, बोल नॉट बाउल. और ये चीज़ें हमारी रूटीन की, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि हम गलत बोल जाते हैं. पर ठीक है, इसको करेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है. मेरा ख्याल है कि हमें करेक्शन कर लेनी चाहिए कभी भी, जब भी, जब हमें पता चले हमें तभी करेक्शन कर लेनी चाहिए. उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई एज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. जब भी पता चल जाए हमें करेक्शन कर लेनी चाहिए. और मुझे जब भी पता चलती है कोई चीज़, ऑब्वियस ह्यूमन एरर, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, और इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, तो वो उसमें भी हम एरर करते हैं, ऑब्वियस है. लेकिन जब हमें पता चले सही चीज़ तो हमें उसकी करेक्शन कर लेनी चाहिए. ठीक है, ये थोड़ी सी थी कि मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करूं. मैं इस तरह की टिप्स आपको देती रहूंगी और हम शेयर करते रहेंगे ये सब चीज़ें. और मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो चीज़ मुझे पता चलती है मैं कहती हूँ आप तक भी पहुँचाऊँ. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम विद another tip. Bye.